जनता ने नकार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राज्य को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश करे। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि करोड़ों लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे और अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही एतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। और मैं एक बात जरूर अजीत शर्मा जी को कहना चाहूंगा, दरअसल कांग्रेस की हैसियत बिहार में केवल बयानों तक सिमट गई है। अगर कांग्रेस को इसी तरह से कमजोर करने के लिए वो सीएलपी लीडर बने हैं तब तो कांग्रेस का भविष्य न कार्यकर्ता बचा पाएंगे और न उनके तथाकथित नेता।